بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. अच्छा, जावा स्क्रिप्ट को हम पढ़ रहे हैं और जावा स्क्रिप्ट के हमने 20 टॉपिक्स कवर कर लिए। लूप्स हमने कल कवर कर लिया था, फॉर लूप्स। कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई प्रैक्टिस की थी आपने? चाहे पढ़ा था जाके, वैसे समझ लग गई थी? अच्छा, लेक्चर प्रैक्टिस करेंगे। चलें इस वीक इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे कल पढ़ के। चलें, आज हमने स्ट्रिंग्स को लेकर कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं कि चेंजिंग केस, उसके बाद मेजरिंग लेंथ एंड एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स, उसके बाद फाइंडिंग सेगमेंट्स, फाइंडिंग अ करेक्टर एट अ लोकेशन, ठीक है, और रिप्लेसिंग करेक्टर के स्ट्रिंग के अंदर से मुख्तलिफ पार्ट्स को निकालना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद किसी स्पेसिफिक, फर्ज करें हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 1000 करेक्टर्स है, यानी कि उसमें मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, कि उनके अंदर से करेक्टर्स को निकालना, वर्ड फाइंड करना, इस तरह की चीज़ें हमारे करना सीखेंगे स्ट्रिंग्स के अंदर। स्ट्रिंग्स के बहुत सारे मेथड्स करेंगे। अच्छा, ये जो है ना लेक्चर जो अब जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस सेंस में है कि हम सिर्फ इनमें, इन टॉपिक्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उन चीज़ों को ही कवर नहीं कर रहे। इनमें जब हम असाइनमेंट्स करते हैं ना, इस तरह की ये वाली, तो इनमें मैं आपको जो समझा रहा हूँ यहाँ पे, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है साथ साथ। इसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग आ जाती है कि हमने थिंक किस तरह करना है प्रोग्राम बनाने में। तो आप में से इन चीज़ों को मिस नहीं करना है, इन लेक्चर्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले चेंजिंग केस, फर्ज करें हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो हम उस स्ट्रिंग को लोअर केस में भी लेकर जा सकते हैं, अपर केस में भी लेकर जा सकते हैं प्रोग्रामिंग में। फर्ज करें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक मिनट, ये कोड है, इसको यहाँ पर लिख लें, इसको राइट साइड पे ले जाए, इसको नीचे ले जाए। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है इस तरह लिखा हुआ है, आई जो है ये कैपिटल लिखा हुआ है, बाद में लव माई कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। मैं इस पूरे क्या कहते हैं स्ट्रिंग को लोअर केस में लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस तरह से सम स्ट्रिंग टू लोअर केस। तो ये जो वर्ड है ना, ये आपने ध्यान से, ये कैमल केस में लिखा हुआ है, तो हमें इस तरह ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम इसको कंसोल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आप कंसोल, यहाँ कंसोल देख लेते हैं हम। अरे कंसोल में, अच्छा मैंने लाइव नहीं किया, इसको लाइव चलाते हैं। अच्छा ये देखें, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे मर्जी लिखा है, बेशक हम वी को भी कैपिटल कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या करना है, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हम लोअर केस में ले गए, ठीक है। इसी तरह टू और लोअर केस, टू अपर केस आ जाएगा, ठीक है। अपर केस, अगर पूरे के पूरे स्ट्रिंग को हमने अपर केस में लेके जाना है तो हम टू अपर केस यूज करेंगे। तो जैसे मर्जी स्ट्रिंग लिखा हो वो अपर
केस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इस टॉपिक में इतना ही था चेंजिंग केस में। अच्छा, उसके बाद मेजरिंग लेंथ एंड एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स। ठीक है, हमें फर्ज करें किसी पार्ट को निकालना है स्ट्रिंग के अंदर से। फर्ज करें मैं इस पार्ट को निकालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये लव वाला पार्ट, इसको मैं कॉपी कर लूँ। ठीक है, तो इसके लिए सेम वही तरीका जिस तरह कल हमने स्लाइस मेथड यूज किया, ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी वही मेथड यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स में हमारे पास सम स्ट्रिंग लिखा हुआ है, हम उसको लिखेंगे सम स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, स्लाइस मेथड। अब जो ये स्ट्रिंग है ना, इसमें ये जो करेक्टर्स हैं, ये हर करेक्टर एक इंडेक्स पे मौजूद है। तो आई जो है ये जीरो इंडेक्स पे मौजूद है, उसके बाद स्पेस ये वन इंडेक्स पे मौजूद है, उसके बाद एल टू ओ तीन वी चार और ये पांचवें, और उसके बाद ये आगे जो स्पेस जो है ये सिक्स है। तो फर्ज करें अगर हमने सिर्फ इस लव को ही निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 1 2 2 2 6 6 को क्यों हमने ऐड किया, हमने स्पेस का बताया कि स्पेस हमारे पास बाउंड्री है, हमने इस पार्ट तक कॉपी करना, इससे पीछे पीछे तक कॉपी करना है। तो इस तरह से हम वो निकाल सकते हैं, सेगमेंट को निकाल सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये लव लिखा हुआ आ गया। अगर तो हम 5 करते तो फिर ई को इसने स्किप कर देना था, इसने ई को कॉपी नहीं करना था। नजर आ रहे हैं आप? सही, चलें ठीक है, आगे मजीद देखते हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाद लेंथ को मेजर करना, एक स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो उसमें भी सेम वही क्या कहते हैं, जिस तरह हमने कल अरे की लेंथ मेजर करने का तरीका देखा, सेम उसी तरह हम लेंथ के साथ लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे निकाल लिया सिक्स, और उसके बाद हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, एल ई एन जी लेंथ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इसके अंदर ये 27 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। अब दो चीजें आपने नोट करनी है, जब हमने स्लाइस लिखा था तो स्लाइस के बाद हमने ब्रैकेट को भी लिखा था, ये हमने इस तरह ब्रैकेट भी ऐड किए ना, लेकिन लेंथ में हमने ब्रैकेट नहीं ऐड किए। अच्छा, इसे कहते हैं, ये हमारे पास जो स्ट्रिंग होता है ना, इसकी टाइप बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मेथड्स होते हैं और एक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये लेंथ जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये स्लाइस जो है ये इसका मेथड है, ठीक है। तो इस वजह से जो मेथड्स हैं, मेथड्स में ब्रैकेट लगती है, और जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ब्रैकेट नहीं यूज करते। ये बेसिकली फंक्शन बने होते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये हम आगे जाके सीखेंगे अभी, ठीक है। ये हमारे पास बुक में आगे जाके चीजें आएंगी तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम सेगमेंट निकाल भी सकते हैं और लेंथ चेक कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पर के किस तरह हम इन सारी चीजों को अभी हम आगे जाके इसमें सीखेंगे, जब हम क्या कहते हैं अभी असाइनमेंट करेंगे ना, तो ये सारी चीजें हम उस टाइम पढ़ लेंगे कि किस तरह ये चीजें उन्होंने क्या लिखी हुई है, कि किस तरह करेक्टर्स को निकाल के हमारे पास किसी भी तरह के करेक्टर ने उसको बेटर तरीके से किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये सारी चीजें किस तरह डेटाबेस में स्टोर वगैरह करने के लिए हम किस तरह से वर्ड को इम्प्रूव करते हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि यूजर तो हमें डाटा किसी भी तरह से दे सकता है, ठीक है। फर्ज करें हम यूजर से डाटा ले रहे हैं, एक फॉर्म हमने यूजर को दे दिया फिल करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म, अब यूजर ने हमें डाटा किसी भी तरह से दे देना, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक इम्प्रूव तरीके से डाटा को अपने डेटाबेस में स्टोर करवाएं, तो हम जावास्क्रिप्ट पे यही मेथड यूज करेंगे कि यूजर से डाटा लेने के बाद हमने उसको लोअर केस और अपर केस करके एक
प्रॉपर बेटर फॉर्मेट करके हमने डेटाबेस में स्टोर करवाना है, बाद में एट द एंड हम यूजर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस तरह इसका यूज केस बनता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फाइंडिंग सेगमेंट्स में, कि हम सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई खास वर्ड या कोई खास करेक्टर मौजूद है किसी वर्ड में, किसी स्ट्रिंग में। फर्ज करें मैं चेक करना चाहता हूँ हमारे पास ये एक पैराग्राफ मौजूद है। अब ये पैराग्राफ यूजर ने मुझे दे दी है। फर्ज करें मैं चेक करना चाहता हूँ क्या यूजर ने, फर्ज करें मैं यूजर से कैसे ही लिखवा रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर टॉपिक, पाकिस्तान के टॉपिक पे एक ऐसे मुझे लिख के दो। अब यूजर ने डाटा एंटर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ चेक करना क्या यूजर ने, ठीक है, उसमें पाकिस्तान के वर्ड को यूज किया है उस ऐसे के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। हम चेक करेंगे क्या सम स्ट्रिंग के अंदर, इसके अंदर हम यूज करेंगे डॉट सर्च मेथड। ठीक है, इसमें सर्च करो क्या इसमें वर्ड पाकिस्तान मौजूद है। अगर तो पाकिस्तान मौजूद हुआ तो फिर उसने बताना है कि पाकिस्तान किस पोजीशन पे मौजूद है, उसने इसका इंडेक्स ला के दे देना। ये देखें, इसका आउटपुट देखें। अच्छा, उसने बताया पाकिस्तान जो है वो 18वें इंडेक्स पे लिखा हुआ है, 18वें इंडेक्स पे। अब हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई 18वें इंडेक्स में मौजूद है। अच्छा, आई ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो क्या ये देखें, इसने बता दिया ये 18 पे ही मौजूद है। अच्छा, ये सर्च मेथड जो है ना, ये बाद में ऐड किया गया। बुक में जो मेथड मौजूद है वो है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ और सर्च मेथड जावास्क्रिप्ट में दोनों ही यूज किए जाते हैं। वो सर्च मेथड में कुछ उन्होंने मजीद भी चीजें दी हैं, लेकिन अब जो डेवलपर है वो वर्ड इजीली समझा जाता है कि सर्च का मतलब सर्च करके दे दो। ठीक है, उसके अलावा इंडेक्स ऑफ का मतलब भी ये है कि अगर हम पहले जो चीजें चेक करते थे क्या हमारे पास पाकिस्तान मौजूद है, तो उसके लिए हम यूज करते थे इंडेक्स ऑफ मेथड। अच्छा, इससे भी हमें यही पता लग जाता था कि क्या पाकिस्तान वर्ड मौजूद है कि नहीं है। वो किस तरह पता लग जाता था, अभी मैं समझाता हूँ। फर्ज करें इसने बता दिया 18, अगर तो कोई भी नंबर हमारे पास आ गया तो इसका मतलब मौजूद है वो वर्ड। और अगर मैं फर्ज करें लिखता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी वर्ड हमारे पास कोई अलहदा से नहीं है मौजूद। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है। तो अब इसने मुझे क्या देना है, -1। -1 का मतलब है कि नहीं मिला। 0 का मतलब है कि फिर भी मिल गया, क्योंकि 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स से ही चीजें शुरू होती है ना। फर्ज करें अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो ठीक है, वो उसका 0 इंडेक्स दे देगा। ठीक है, फर्ज करें मैं चेक करना चाहता हूँ क्या आई मौजूद है हमारे पास, तो उसने हमें 0 देना है। तो 0 का मतलब मौजूद है। ठीक है, तो ये इंडेक्स ऑफ। अच्छा, ये तो क्या कहते हैं, एक तो इंडेक्स ऑफ है, ये चेक करता है लेफ्ट साइड से, चेक करना शुरू करता है। ठीक है, इस पॉइंट से इधर से स्टार्ट करेगा, ये राइट साइड से स्टार्ट नहीं करता। फर्ज करें मैं चाहता हूं कि इधर से चेक करना चाहता हूं क्या राइट साइड से हमारे पास कोई, ठीक है, उल्टा चेक करना चाहता हूं क्या हमारे पास इस तरफ से कोई आई आ रहा है, तो उसके लिए वो हम यूज करेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसमें अच्छा, इसने अब क्या बताया, इसने बताया कि हाँ 0 इंडेक्स पे मौजूद है।
इसने राइट साइड से चेक करना शुरू किया, क्या हमारे पास आई है यहाँ पे, इधर भी नहीं मिला, 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 आई उसको कहीं भी नहीं मिल रहा। आई उसको फिर किस जगह पे आकर मिला है? आई उसको जीरो पे ही आके मिला है। तो उसने हमें शो करवा दिया कि हाँ आई जीरो इंडेक्स पे ही मौजूद है। हाँ, ढूंढना इधर से स्टार्ट करेगा। मैं आपको भी समझाता हूँ। फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे लव, यहाँ पे लिखा है आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, आई ऑल्सो लव माई सिटी फैसलाबाद। ठीक है, अब हमारे पास लव जो है कितनी मरतबा लिखा हुआ है? अब लव जो है दो मरतबा है। तो अगर तो मैं फर्ज करें इंडेक्स ऑफ चेक करता हूँ यहाँ पे लव का, इसने मुझे क्या शो करवाना है? टू पे, जीरो वन टू। ठीक है, टू से स्टार्ट हो गया लव। अगर अब मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ करूं तो उसने अब क्या करना है? वो राइट साइड से चेक करना शुरू करेगा, लेकिन उसने इंडेक्स ठीक ही बताना है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा हम इस तरफ से काउंट करते हैं, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं। देखा लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब उसने क्या बताया? ये 36 पे मौजूद है। अब उसने इस पॉइंट से देखना शुरू किया कि लव हमें किस पॉइंट पे मिलना शुरू हो रहा है। ठीक है, उसको लव जो है ये मिल जाएगा इस तरफ, राइट वाला ही लव मिल जाएगा उसको, लेकिन उसने इसका इंडेक्स बताना था। इंडेक्स वो गिनेगा, उसने इंडेक्स को इस साइड से ही गिनना है। तो 0 1 2 3 इस तरह करके, यहाँ पे 18 था ना, 18 19 20 21, 36 ही बनता है। कर लिया आपने पहले से, इतनी जल्दी कर लिया लग रहा है आप गिनने में मसरूफ चले चले, अच्छी चीज है ये 36 से मिल गया उसको। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ मेथड थे सेगमेंट फाउंड करने के। ठीक है, अगर हम कोई पार्ट फाइंड करना चाहते हैं कि किस पार्ट में कोई चीज मौजूद है, तो हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट अ लोकेशन। ठीक है, अब हम चेक करना चाहते हैं क्या किसी के हमें कैरेक्टर ढूंढ के दो किसी खास पोजीशन पे। फर्ज करने में चेक करना चाहता हूं कि मेरे पास जीरो इंडेक्स पे कौन सा वर्ड मौजूद है, कौन सा कैरेक्टर मौजूद है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं कैरेक्टर एट, चार एट, इसको चार एट पढ़ लें या कैरेक्टर एट पढ़ लें। ठीक है, इसमें हम कोई भी इंडेक्स पास कर देंगे तो वो हमें लाकर बता देगा कि हमारे पास इस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर मौजूद है। फर्ज करें मैं चाहता हूं कि चेक करना कि हमारे पास 36 पे कौन सा करैक्टर मौजूद है। ठीक है, मैंने चेक किया करैक्टर एट 36। ठीक है, 36 पे कौन सा करैक्टर मौजूद है, तो अब उसने मुझे ला के दे देना है कि कौन सा करैक्टर मौजूद, तो कौन सा करैक्टर मौजूद होगा? एल। वो वर्ड नहीं लाकर दे रहा, ये करैक्टर के बारे में सिर्फ बता रहा है। क्या हो गया? हाँ जी, तो वर्ड के लिए हम सर्च यूज करेंगे ना। ठीक है, तो जब जब हमने सर्च करके यूज कर लिया तो हमें वैसे हमें पता है कि लव के अंदर कितने करैक्टर्स आते हैं, लव के अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं, चार कैरेक्टर आते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें उसकी पोजीशन तो मालूम हो चुकी है किस इंडेक्स पे मौजूद है, तो उसके बाद हम स्लाइस मेथड यूज करके उसके सेगमेंट को पार्ट कर लेंगे। नहीं लग रही समझ? ये देखिए ना, अब फर्ज करें
आपने लव को निकालना है उसमें से। आपको पता लग गया है कि लव जो है किस इंडेक्स में मौजूद है, 36 में मौजूद है ना। हमारे पास सम स्ट्रिंग के अंदर डॉट, हम इसे कहते हैं स्लाइस करके दे दो। अब आपको पता लग गया है कि लव का जो इंडेक्स है वो 36 से स्टार्ट हो रहा है, और अब ठीक है उसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, तो 36, 37, 38 और 39। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 लिख देंगे। ठीक है, तो वो हमें क्या ला कर दे देगा, अब पूरे का पूरा वो वर्ड ला के दे देगा। ये देखिए हमने लव को निकाल लिया उसमें से। तो इस तरह हम खुद से सोच के खुद से लॉजिक कुछ बनाएंगे और फिर इस तरह से काम करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको जावास्क्रिप्ट ने फंक्शन वगैरह बना कर दिए हुए हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हर चीज के फंक्शन नहीं बने होंगे, उसके लिए हमें खुद जेन से सोचना पड़ता है कि हाँ यार ये फंक्शन हमारे पास मौजूद था, हम इसको यूज कर सकते हैं, हम इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, हम इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर हम एक प्रोग्राम बनाकर कस्टमर को दे सकते हैं, अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। ये लॉजिक बिल्डिंग, ये थिंकिंग जो है, ये प्रोग्रामर का असल काम होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, टूल्स को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने क्लाइंट को देना, ये एक प्रोग्रामर का काम है। और अगर किसी पॉइंट पे समझ ना आ रही हो, फिर गूगल बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर क्योंकि एक मिनट रुकिए, जब तो इस तरह हमने ये वर्ड निकाल लिया, ये क्लियर है यहाँ तक। फाइंडिंग सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स हमने फाइंड कर लिए। फाइंडिंग करेक्टर एट अ लोकेशन, ये भी हमने देख लिया, करेक्टर एट देख लिया हमने। अच्छा, अब फर्ज करें हमने लास्ट में से करेक्टर निकालना है। ठीक है, हमें फर्ज करें हमें नहीं पता कि हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन हमें लास्ट करेक्टर के बारे में भी मालूम करना है कि लास्ट करेक्टर यूजर का क्या है। तो उसके लिए भी हम फिर एक खुद से छोटी सी लॉजिक लिख लेंगे। वो लॉजिक क्या है, यहाँ पे उन्होंने लिख के बताया कि फर्ज करें यहाँ पर हमें लेंथ को कैलकुलेट करना आ गया है ना। ठीक है, हमें फर्ज करें नहीं पता कि इसके अंदर लास्ट करेक्टर क्या है, और हमें उस इंडेक्स भी नहीं पता कि लास्ट करेक्टर का इंडेक्स क्या हो सकता है। तो हम वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लिखेंगे सम स्ट्रिंग, फर्ज करें हम इसके पहले करेक्टर को निकाल लेते हैं, और हमने क्या करना है, सम स्ट्रिंग डॉट लेंथ। और जो लेंथ हमने ले लिया, तो लेंथ से आपको पता है कि लेंथ हमें बता देता है कि हमारे पास इतने करेक्टर मौजूद हैं। लेकिन आपको ये एक चीज याद होनी चाहिए कि हमारी जो लेंथ जो है वो और इंडेक्स कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि लेंथ की जो गिनती है वो एक से शुरू होती है और इंडेक्स की जो गिनती है वो जीरो से शुरू होती है। तो इंडेक्स हमेशा एक कम ही होगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा थोड़ी सी मैथ को यूज करना है, स्ट्रिंग की लेंथ -1, इससे क्या हो जाएगा, हमें लास्ट करेक्टर के बारे में मालूम हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ब्रैकेट में भी लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ना फिर भी चल जाएगा, वो तो मैंने आपके आसानी के लिए कर दिया कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं, हम इसमें से लेंथ नहीं निकाल रहे, हम उसके करेक्टर को निकाल रहे हैं।
हमें पोजीशन के बारे में तो पता लग ही जाएगा। फर्ज करें ना, आप कह रहे हैं कि ये करने, इससे हमें क्या चीज मिलने वाली है, इससे हमें लास्ट स्ट्रिंग के का इंडेक्स मिल जाएगा। लेकिन हम तो करैक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो करैक्टर हम इस मेथड के साथ ही निकालेंगे। ये देखें, ठीक है, ये आई, उसके बाद इसमें टोटल जो करैक्टर जो है उसका इंडेक्स वो 59 होगा, और 59 इंडेक्स पे कौन सा करैक्टर मौजूद है, डॉट मौजूद है। तो हमें पता लग गया कि लास्ट में इसका कौन सा उसने यूजर ने करैक्टर ऐड किया। ठीक है, अच्छा, इसका मकसद यानी कि ना ये चीजें लो, ये टूल्स समझाने का मतलब ये है, ये रन टाइम पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है कि ठीक है चेक करके आओ कि यूजर ने लास्ट करेक्टर क्या लिखा होगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम कोई भी हम एप्लीकेशन ऐसी बना रहे हैं जिसमें हमें चेक करने की जरूरत पड़ सकती है कि लास्ट करेक्टर में कौन सा, लास्ट करेक्टर कौन सा है, तो हम उसके लिए इन सारी चीजों को यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद स्ट्रिंग को रिप्लेस करना, फर्ज करें हम चाहते हैं कि रिप्लेस करना चाहते हैं किसी खास वर्ड को, ठीक है, किसी खास वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है रिप्लेस का मेथड। ठीक है, रिप्लेस में हमने पहले पैरामीटर में उसको बताना है कि हमें अपने किस वर्ड को रिप्लेस करना है, दूसरे पैरामीटर में हमने उसको बताना है कि हमने किस वर्ड से रिप्लेस करना है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे लव, लव का कोई सिनोनिम जेन में आप कहता हो, लव का क्या सिनोनिम हो सकता है, कोई सिनोनिम नहीं हो सकता, लव का लव ही होता है। अच्छा, फर्ज करें मैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं अच्छा फर्ज करें मैं अपने मुल्क से प्यार नहीं करता, मैं आपके मुल्क से प्यार करता हूँ। हमें यूजर ने हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हमने बनाना है कि इसमें से ना अब यूजर कोई भी वर्ड एक, ठीक है, जहां जहां पे उसको माई मिल रहा है उसको यू से कन्वर्ट कर दे, यू पे तब्दील कर दे। तो हम क्या कर सकते हैं, सम स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, रिप्लेस मैंने कहा जहां पे भी इसको माई नजर आए उसको किस चीज से कन्वर्ट कर दे, योर। ठीक है, अब देखेंगे क्या करेगा। अच्छा, इसने लिखा आई लव योर कंट्री पाकिस्तान, आई ऑल्सो लव माई सिटी, ये क्या हुआ, हमने तो उसको कहा था रिप्लेस कर देने, तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ पहले जो उसको वो मिल गया माई, उसने उसको योर से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो रिप्लेस मेथड है ये सिर्फ पहले ही वर्ड को रिप्लेस करता है, अगर हमने जितने भी क्या कहते हैं वर्ड है इस जैसे माई उन सारों को रिप्लेस करवाना है तो यहाँ पे हमने मेथड यूज करना है रिप्लेस ऑल का। ठीक है, अरे ये जो मेथड जो मैं लिख रहा हूँ ये जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन मेथड्स है, ठीक है, इसको एज इट इज ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि खुद से कुछ भी लिख दिया, खुद से नहीं, ये जावास्क्रिप्ट में बने बनाए फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो अब देखें, जब मैंने रिप्लेस ऑल किया तो आई लव योर कंट्री पाकिस्तान, आई लव योर सिटी फैसलाबाद, तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं।
हमारे पास ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं कुछ इसकी तरफ, असाइनमेंट्स की तरफ। ये तो हमने बुक से चीजें पढ़ ली। अब इसमें पहले में है कि फर्ज करें यहाँ पे ये वाला बटन क्या कर रहा है। हमारे पास एक स्ट्रिंग था, ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये ही लिखा हुआ था, ऐसे ही है ना। ये कन्वर्ट टू लोअर केस, इसने क्या किया, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। दूसरे बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये इन सब चीजों को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। ये आपकी असाइनमेंट भी है, ये चीजें आपने करनी है। आप लैपटॉप लेकर नहीं आते, वरना ये सारी चीजें मैंने आपको अभी यहाँ पे असाइनमेंट के तौर पे देनी थी, ताकि आप यहाँ पर बैठ के करें कि यहाँ पे बल्कि ले आया करें कि अब जो है ना, क्या कहते हैं, हमने प्रैक्टिकल करने स्टार्ट करने हैं। ये जावास्क्रिप्ट के जितने भी जो भी हमने टॉपिक पढ़ना है, वह तकरीबन ये 45 से 50 मिनट का फिर लेक्चर हुआ करेगा, उसके बाद तकरीबन इतनी ही देर की असाइनमेंट बाद में हुआ करेगी। और जावास्क्रिप्ट इस तरह से ही लर्निंग होगी, क्योंकि बाकी वरना क्या कहते हैं, आपको समझ नहीं लगेगी जब तक आप इसके प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये चेक सिटी इन एन अरे, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास अरे में कोई खास सिटी अवेलेबल है। अच्छा, इसके लिए सिटी की एक अरे मेरे ख्याल से हमारे पास बनी होगी यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास वही है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामाबाद, ये क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे इस्लामाबाद, कराची, इफ सिटी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इस्लामाबाद, तो उसने कह दिया कि हाँ मिल गया है सिटी। लेकिन फर्ज करें मैं इस तरह, अब मैंने यहाँ पर इस तरह लिखने के बजाय इस्लामाबाद को इस तरह लिख दिया, पहले मैंने सारे के सारों को लोअर केस में लिखा था। डाटा हमारा जो पड़ा है ना अरे के अंदर, वो इस तरह से पड़ा है। कल मैंने आपको ये करके दिखाया था इफ के साथ, जब हम कंटिन्यू या ब्रेक कर रहे थे, ठीक है। कल मैंने आपको सिटी फाइंड करने का तरीका बताया था, हम किस तरह कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें, मैं आपको अभी समझाने का मतलब ये है कि फर्ज करें यूजर हमें डाटा किसी भी तरह से दे सकता है, ठीक है। यूजर तो इस तरह से भी लिख सकता है इस्लामाबाद, तो फिर इसने हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास असल जो डाटा पड़ा है वो सारा लोअर केस में पड़ा है। तो अब इसने यहाँ पे हमें नीचे नहीं शो करवाना। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने फर्ज करें यूजर से जैसे ही सिटी ले लिया प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है, यूजर ने हमें सिटी दिया, हमने उसको सिटी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसी सिटी को, जो सिटी टू लोअर केस यूजर हमें किसी भी तरह से दे दे, लिख के दे दे, हमने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू को दोबारा से अपडेट कर दिया, वेरिएबल को अपडेट कर दिया। उसके बाद जब हम फॉर लूप के अंदर इस चीज को चेक कर रहे हैं, अब यूजर ने बेशक जिस तरह से भी डाटा दिया होना था, ठीक है, अब इसने उसको वेरीफाई कर देना था, ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाती है। अब ये देखिए, अब मैं करूं यहाँ पे, अगर मैं इस तरह भी लिख दूं ISLAM, ठीक है, जिस तरह से भी लिख दूं, अब इसने मुझे क्या नीचे बताना है कि यस सिटी फाउंड इन अरे।
इस तरह से इन मुख्तलिफ जावास्क्रिप्ट की चीजों को चेक करके और यूज करके हम मेथड्स को यूज करके अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद बेटर फॉर्मेटिंग में क्या चीज आ रही है कि हमने यूजर से कुछ भी लिया, हम यूजर से एक सिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। यूजर हमें किसी भी तरह से दे सकता है, इस तरह पहले उसने किसी भी तरह से दे दिया, फर्ज करें इस तरह इस्लाम इस्लामाबाद। नीचे हमारे पास इस्लामाबाद जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यूजर ने तो पता नहीं किस तरह दिया था। अब ये किस तरह बनाएंगे, कोड देखे बगैर बताएं। बल्कि आप मुझे यहाँ पे बटन 4 के क्लिक होने पे ये चीज हो रही है। इधर मुझे लिखवाएं साइन बटन 4 डॉट ऑन क्लिक, इस तरह ही बनाते हैं। हमने फंक्शन लिख लिया। अब यूजर से जो हमने प्रॉम्प्ट लिया था वो समझे सिटी में हमने ले लिया। देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं यूजर ने हमें सिटी तो दे दिया, ठीक है। अब वो वैल्यू जो है वो सिटी के अंदर स्टोर हो चुकी है जो यूजर ने दी है। अब आपने मुझे अभी हमने आज जो भी पढ़ा है हमने इसको बेटर फॉर्मेट करना है, इस सूरत में लेकर आना है। यूजर हमें डाटा किसी भी तरह से दे दे तो किस तरह हम करेंगे, हमने आज जो पढ़ा है उसको यूज करते हुए हम ये सॉफ्टवेयर बनाने लगे। नहीं, लोअर केस करेंगे, उसने तो फिर पूरे के पूरे डाटा को लोअर केस कर देना है, तो उसने तो पहला जो करेक्टर है उसको भी लोअर केस कर देना है। लेकिन ये तो बेटर फॉर्मेट एक बेहतर तरीके से आ गया ना। ये देखें, फर्ज करें यहाँ पे मैं अगर वो एफ मैंने कैपिटल लिखा, ओ लोअर केस में लिखा, ए को कैपिटल लिख दिया, फिर आई इस तरह लिख दिया, फिर एस इस तरह लिख दिया, जैसे मर्जी इस तरह फैसला बाद। लेकिन ये हमें बिल्कुल प्रॉपर एफ को इसने शुरू वाले कैरेक्टर को प्रॉपर करके दिया है हमें। इसको हमने अगर बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, ये आप बताएं मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो किस तरह करेंगे, यही तो, ये तो आपको ठीक है, ये तो पता लग रहा है कि पहला जो करेक्टर है उसको हमने क्या कहते हैं अपर केस में कर देना है, बाकी जितने भी करेक्टर्स हैं उन सारों को लोअर केस में करना है। और इसको करना वो हमने जो स्ट्रिंग के जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन चैप्टर्स को यूज करते ही वही टॉपिक को करते हुए करना है, ठीक है। कैसे करेंगे करवाए ना, बताएं क्या लिखूं मैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि वार फर्स्ट कि पहला कैरेक्टर हमने निकालना है, पहले कैरेक्टर को कैसे निकालें हम। मैंने लिखा सिटी डॉट कैरेक्टर एट, ठीक है, इस जीरो के साथ हमने फर्स्ट कैरेक्टर को निकाल लिया। ठीक है, वो हो गया, अपर केस हो जाएगा। बाकी जो है उसको आप किस तरह निकालें, बाकियों का क्या करें हम। अब बाकी करेक्टर भी तो निकाल लिया ना, हमने पहला करेक्टर तो निकाल लिया, अब बाकी करेक्टर भी हमें चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। फर्स्ट करेक्टर हमें मिल गया, बाकी के हैं हमने कहना है कि इसको अदर करेक्टर्स के साथ
हम यूज करेंगे स्लाइस मेथड, सिटी डॉट स्लाइस। स्लाइस में हमने उसको बताना है कि जीरो नहीं हमने लेना है, जीरो को छोड़ देना है, हमने वन से शुरू करना है। अब वन से आगे किधर तक हमने जाना है? लास्ट तक। तो लास्ट तक किस तरह जाएंगे? अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें सिर्फ एक पैरामीटर पास करें तो ये एंड तक कॉपी कर लेता है, जितने भी चाहे इसके अंदर वो वैल्यूज मौजूद हो अरे में। तो इसी तरह अगर हम सिर्फ पहले पैरामीटर को पास कर दें और दूसरा पैरामीटर ना लिखें तो जितने भी हमारे पास कैरेक्टर मौजूद हैं एंड तक, इसने सारों को कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये दो चीजें हो चुकी हैं हमारे पास। अब फर्ज करें मैं इसको लिखता हूं, हमारे पास इस डिव को हमने क्या नेम दिया हुआ था? हमने इस डिव को नेम दिया हुआ था रिजल्ट, हमने लिखा रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल। रिजल्ट के अंदर हमने क्या स्टोर करना है? डॉट फर्स्ट कैरेक्टर प्लस अदर कैरेक्टर्स। ऐसे ये देखें, अब ये चीज मैं आपको समझाता हूँ कि फर्ज करें हमने यहां तक तो सॉफ्टवेयर बना लिया है ना, अभी हम चेक करते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर इतना काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, एरर दे रहा है हमें इसी तरह से। वैसे क्या हो गया, चलिए चेक करते हैं हमने हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हमने इस बटन पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया आई ओ लाहौर। तो चेक करते हैं कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, हमें दो हमारे पार्ट तो निकल आए हैं, हमने दोनों पार्ट्स को पहले निकाला, अलहदा अलहदा किया और बाद में हमने उन दोनों को दोबारा मर्ज भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर एट टू अपर केस, ये पहले कैरेक्टर को अपर केस कर दो, उसके बाद इसको कंकैटिनेशन, ये कंकैटिनेशन का साइन है, प्लस अदर कैरेक्टर्स जो हैं उनको टू लोअर केस, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको लोअर केस में ले आओ। अब ये देखें बेटर फॉर्मेटिंग में क्या चीज हो रही है। अब यूजर हमें फर्ज करें किसी भी तरह से लिख के दे रहा है, कराची इस तरह से लिख के दे दिया, जब हमने बेटर फॉर्मेट किया तो ये देखें कराची में बिल्कुल प्रॉपरली लिखा हुआ मिल गया। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के पार्ट्स को निकाल के उसके साथ खेल के उसमें जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके जिस तरह से मर्जी यूज करना चाहे कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद फर्क दिखाता हूं। अब आपने कुछ चीजें मजीद देखनी है, इधर जो हमने कोड लिखा था पहले जो लिखा हुआ है
हमने उसमें क्या किया, फर्स्ट करेक्टर निकाला, ठीक है, इस तरह निकाल लिया। अदर करेक्टर जितने भी थे हमने उसको इस तरह से निकाला। उसके बाद हम इन करेक्टर्स को चेंज करने के बाद इस वेरिएबल को दोबारा अपडेट इस जगह पे भी कर सकते हैं जिस तरह नीचे किया गया है, ठीक है। इधर हम और बाकी जो है क्या कहते हैं करेक्टर, उनके लिए भी हमने उस वेरिएबल को अपडेट कर दिया, और नीचे हमने सिर्फ फर्स्ट करेक्टर प्लस अदर करेक्टर लिख दिया। लेकिन इस चीज को हम एक लाइन में भी सारा सारे काम कर सकते थे इस तरह से, जिस तरह हमने अभी ऊपर किया। और अगर हम इस तरह से भी नहीं चाहते तो हम यहाँ से एक और मेथड यूज कर लेते हैं। करेक्टर निकालने के बाद हम इसको इस पॉइंट पे ही इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम इस पॉइंट पे भी चेंज कर सकते हैं वैल्यू। अब इसमें हो क्या रहा है, सिटी हमने यूजर से ले लिया। सिटी लेने के बाद यहाँ पे सिटी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस सिटी के अंदर से करेक्टर को निकाल रहे हैं, ठीक है। वो पहला करेक्टर निकल गया। पहला करेक्टर निकलने के बाद ये डॉट, ठीक है, टू लोअर केस, सिर्फ उस पहले करेक्टर को ही चेंज कर रहा है और उसको फर्स्ट करेक्टर के अंदर स्टोर करवा रहा है। उसके बाद वो बाकी जितने भी करेक्टर्स हैं उनको स्लाइस करके, ठीक है, कॉपी करके उनको लोअर केस में लेकर जा रहा है, ठीक है, और उसको अदर करेक्टर्स के अंदर स्टोर करवा देता है। फिर बाद में नीचे हमने उन दोनों को आपस में दोबारा से कनकैट कर दिया, और उसको हमने क्या किया, इस डिव के अंदर इसको हमने आईडी दी हुई है रिजल्ट की, डॉट इनर एचटीएमएल के साथ हमने वहां पे नीचे प्रिंट करवा दिया। अभी देखें इसने भी सेम उस तरह ही काम करना है। इसमें आप लिख लें कोइटा, लिख लें, चलेंगे कोइटा कोइटा, उसने ठीक से लिख के दे दी। अगर तो स्पेलिंग टोटली गलत हो तो फिर हम मैच कर देंगे कि ठीक है, अब क्या कहते हैं वो गलत है, वो तो हम कंपेयर करना तो हमें पहले ही आता है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ, इक्वल 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 के साइन को यूज करते हैं, हम चेक करेंगे क्या यही चीज है। उसके बाद फाइंड दिस वर्ड, अच्छा फाइंडिंग वर्ड ये मैंने आपको बता दिया करके कि अगर हमें कोई खास वर्ड चेक करना है, फर्ज करने अगर मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ क्या हमारे पास पाकिस्तान मौजूद है, हमने यूजर से पूछा, ठीक है, यूजर को ऑप्शन दे दिया कि चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास क्या पाकिस्तान मौजूद है, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं पाकिस्तान, तो वो शो हमें करवा देगा यस पाकिस्तान फाउंड इन ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओरिजिनल स्ट्रिंग का मतलब इस वेरिएबल का नेम ओरिजिनल स्ट्रिंग था, ये सम स्ट्रिंग या फिर ओरिजिनल स्ट्रिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यस की ओरिजिनल स्ट्रिंग, हम इसको कह रहे हैं कि ओरिजिनल स्ट्रिंग कह रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको पाकिस्तान जो है ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर वो मिल चुका है, और किस पोजीशन पे मिल गया वो उसने इंडेक्स भी बता दिया। अच्छा ये इंडेक्स की पोजीशन आप सर्च मेथड के साथ भी यूज कर सकते हैं और आप इंडेक्स ऑफ के साथ भी कर सकते हैं, ये मैंने दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप किसी को भी यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद रिप्लेस करने का तरीका भी हमने सीख लिया कि फर्ज करें अगर रिप्लेस करना चाहते हैं हम इसके अंदर किसी वर्ड को, ठीक है, उसके बाद नीचे, ठीक है, रिप्लेस दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, रिप्लेस ऑल करके हम कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास ऑल्सो लिखा हुआ है या माई लिखा हुआ है, ठीक है, हम यूजर से पूछते हैं कि एक वर्ड, कि किस वर्ड को रिप्लेस करना है, वो कहता है कि मैंने माई को रिप्लेस करना है। अब माई को किस चीज के साथ रिप्लेस करना है, किस चीज के साथ करना चाहते हैं, नहीं आप इधर आप किसी भी चीज के साथ करवा सकते हैं, यानी कि मतलब हमने हमने सॉफ्टवेयर एक बताया बना दिया है कि हमने यूजर को ऑप्शन दे दिए हैं
ठीक है, आपने एक पैराग्राफ पहले लिख दिया है, अब इसके अंदर अगर आपने गलतियों को रिप्लेस करना है, आपने वर्डपैड देखे है ना, ठीक है, आपने वर्डपैड यूज किया होगा, नोटपैड यूज किया होगा, उधर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप फाइंड करें, फाइंड करने के बाद आप रिप्लेस कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ, उसके अंदर से हमने चीजों को फाइंड कर रहे हैं और उसको रिप्लेस भी कर रहे हैं, तो हम रिप्लेस कर देते हैं माई को एबीसी से। तो वो देखें, आई लव एबीसी कंट्री पाकिस्तान, आई लव एबीसी सिटी फैसलाबाद, इस तरह से हम कर सकते हैं। यही चीजें आपको समझाने का मतलब है। फर्स्ट पहले हमारे पास नोटपैड है, हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फर्स्ट करें नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है, आई लव, हम इसके अंदर ये हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फाइंड, इसमें सिर्फ फाइंड का आ रहा है, इसमें रिप्लेस का नहीं आता, इसमें ये देखें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है, आता है ना, ये एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ये नोट पैड है, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है विंडोज का, तो इसमें हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, फाइंड करना और इसको रिप्लेस करवा देना। फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि इधर मैं फाइंड करना चाहता हूँ माई को किसी भी वर्ड के साथ, मैंने एबीसी लिख दिया और मैंने उसको कह दिया कि रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करेंगे, अगर मैं इसको सिर्फ रिप्लेस कर पे करता हूँ तो इसने क्या करना है, इसने वन बाय वन रिप्लेस करना शुरू करना है, किया नहीं किया, ये देखिए इसने रिप्लेस कर दिया, इसने यहाँ से सॉरी सर्च करना शुरू नहीं किया था, दोबारा से बैक जाते हैं, ठीक है, मैं ऐसा कहता हूँ कि फाइंड, इसने यहाँ पे फाइंड किया, उसको मिल गया एक किस पोजीशन में मौजूद है, उसने वो हाईलाइट करके दिखा दिया, उसके बाद मैं अगर रिप्लेस कर दूं तो इसने क्या करना है, इसने सिर्फ उसको ही रिप्लेस कर देना है, लेकिन अगर मैं रिप्लेस ऑल कर देता तो उसने सारों को रिप्लेस कर देना था, तो यही चीजें तो हमने आज करना सीख ली सारी, हमने फाइंड करना भी सीखा, हमने रिप्लेस करना भी सीखा, हमने किस पोजीशन पे कौन सा वर्ड है वो सारी चीजें भी सीखी। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हम खुद से सोच के अब बना सकते हैं, छोटे मोटे नोटपैड। अभी हमने क्या कहते हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट के साथ वैल्यू लेनी सीखी है, बाद में हम फर्ज करें ना, ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, वो आपने जो हमने फॉर्म्स वेबसाइट के अंदर फॉर्म लगाने सीखे थे उसके अंदर आपने टेक्स्ट एरिया देखा था ना, फर्ज करें ये आपके पास ये टेक्स्ट एरिया, ये इतना हिस्सा ये टेक्स्ट एरिया है, फर्ज करें ना कि ये आपका उस टेक्स्ट एरिया के अंदर से हम सारी वैल्यूज को उठा सकते हैं, इजीली उठा सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से। हमने आगे जाके कुछ अभी टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह किसी भी फील्ड के अंदर से टेक्स्ट को उठाना है। अभी हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट के साथ वैल्यू को लेना सीखा है, आगे जाके हमने इनपुट फील्ड के अंदर से टेक्स्ट एरिया फील्ड के अंदर से वैल्यूज को पिक करना सीख लेना है। पिक करने के बाद हम उसके अंदर से वैल्यूज को क्या कहते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिप्लेस करने के बाद दोबारा से उस टेक्स्ट एरिया के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजर को, तो हम एक नोटपैड पूरा बना सकते हैं वेबसाइट के अंदर, इस तरह से हम बनाएंगे। लगली समझ, लॉजिक को फॉलो करें कि आज हमने जो चीजें सीखी हैं उन चीजों को यूज करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं, एक किस किस तरह के सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी असाइनमेंट भी है, आपने इसको घर जाकर करना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा जहन लगाएंगे किसी चीज पे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। कंफ्यूजन पक्की बात है, आहत वो तो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे फिर चीजों पे ग्रिप हासिल होगी।
जावास्क्रिप्ट लेंथी है, कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, थोड़ी सी चीजें मुश्किल भी हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद एक आसानी है। जब आप अब सीख जाएंगे, इंशाल्लाह कल को जाके मार्केट में काम कर सकेंगे, और इसमें आपके दिमाग का इस्तेमाल होगा, आपने इसमें जहन का इस्तेमाल आपने करना ही है। तो आज से ही जाके ऐसी चीजें खाना शुरू कर दें जो जहन को ताकत देती है, ठीक है, दूध पिए, बादाम शादाम खाएं, क्योंकि आगे जो ये जो फील्ड है ना, इसमें सरवाइव करने के लिए मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपने ऐसी गिजाओं का इस्तेमाल अब करना है जो आपके मेंटली हेल्थ यानी कि ब्रेन की हेल्थ पे बेहतर असर करती है। जिस तरह क्या कहते हैं, दूध हो गया, शेक्स वगैरह हो गए, बादाम वगैरह हो गए, नट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों को आपने अपनी डाइट में लेकर आना है। क्यों, जो मजदूर सबका जो लोग होता है ना, क्या कहते हैं, फर्ज करें जो ये काम करते हैं यहाँ पर, ये घर वगैरह बना रहे हैं, उनको जिस्मानी कुवत चाहिए होती है, ठीक है, उनके लिए ये गंदम वगैरह खाना, ये चने खाना, इस तरह की चीजें उनको फायदा देती हैं। जब आप जिम वगैरह करते हैं तो आपको कहते हैं कि आप केले वगैरह इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी बने। तो इसी तरह अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में आ रहे हैं तो आपने उस तरह की गिजाओं को अपनी फिर डाइट में लेकर आना है। बल्कि आपको कोई भी यानी कि काम ऐसा कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठने वाला काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट को उस तरह से इम्प्रूव करें कि आपको कौन सी ऐसी डाइट है जो आपकी ब्रेन की हेल्थ पे वो करेगी, इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे जब आप यूट्यूब से वीडियो देखेंगे। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। आगे जाके फिर हमने नेक्स्ट जो है इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है, फिर अगली मरतबा हम नंबर्स के साथ खेलना सीखेंगे, उसमें नंबर्स पे असाइनमेंट होगी, फिर उसके बाद हम डेट के साथ खेलना सीखेंगे, डेट के बाद हमारे पास मजीद और चीज़ें आएंगी, फंक्शन आएंगे, ये हम डोम के साथ क्या काम कर सकते हैं वो चीज़ें आएंगी, ठीक है, इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, फिर मजीद चीज़ें देखेंगे, जो जो चीज़ें आती जाएंगी, बुक से हम कुछ करेंगे, उसके बाद बुक के अलावा जिन जिन चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें करेंगे रिएक्ट पे जाने से पहले पहले। नहीं, जावा पे ज़्यादा टाइम लगता है, जावा पे तकरीबन 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे हमारे जो कोर्स का जो मेन पार्ट है वो जावास्क्रिप्ट ही है, ये जावा नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट है, जावा जो है वो इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स लैंग्वेज है। वो मोबाइल एप्स वगैरह बनाने के लिए यूज की जाती थी, लेकिन अब तो क्या कहते हैं और भी आ गई हैं चीज़ें, कोटलिन वगैरह पे एंड्रॉयड ऐप्स बन रही हैं, पहले से पहले जावा पे बनती थी, उसके अलावा अब फिर बाद में रिएक्ट नेटिव जो है वो हम जब रिएक्ट सीख लेंगे वो हम उसके जावास्क्रिप्ट की तरह का ही तर्ज का ही हम कोड लिखा करेंगे, उसने उस कोड को कंपाइल करके जावा में कन्वर्ट करके उसने बाकी सारे काम खुद कर दिया करने आपके। चलिए लेक्चर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल करते हैं मुलाकात।